बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। तो दोस्तों कैसे हैं आप? चेहरे पर मौजूद दाग धब्बे हुस्न के दुश्मन होते हैं, जिनकी वजह से चेहरे के नक्श अपनी जाज़बियत खो देते हैं। इन दागों को दूर करने के लिए बहुत से केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है, जो कि हमारे जिल्द के लिए नुकसानदेह होती है। इनसे वक्ती फर्क तो दिखता है, लेकिन बाद में इनके साइड इफेक्ट सामने आते हैं और चेहरा पहले से ज्यादा बदनुमा लगने लगता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बनाना सिखाऊंगी जो 100% नेचुरल है और केमिकल से पाक है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आपका चेहरा निखरा निखरा और साफ शफाफ हो जाएगा। इसे बनाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और हर लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना हरगिज ना भूलें। तो सबसे पहले आपने दालचीनी लेनी है, ये आपके किचन में ही मौजूद होती है। आप चाहें तो इसे पीसकर इसका पाउडर बना लें, या अगर चाहें तो बाजार से पिसी हुई रेडीमेड भी ये मिल जाती है। ये देखें दोस्तों, ये मैंने घर पर ही पीस ली है। बस एक चम्मच आपने ये ऐड करनी है। इसके बाद आपने इसमें जो चीज ऐड करनी है वो है हनी, यानी के शहद। किसी भी ब्रांड का आप हनी यूज कर सकते हैं, ये भी हम तकरीबन एक चम्मच ही ऐड करेंगे। अब आखिर में जो चीज आपने ऐड करनी है वो है रेड सैंडलवुड पाउडर, यानी लाल संदल की लकड़ी का पाउडर। बस थोड़ा सा हम ये ऐड करेंगे, तकरीबन आधे चम्मच के करीब। बस यही तीन चीजें इसमें डलेंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे आपने अपने चेहरे पर अच्छी तरह लगाना है और 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है। फिर इसे सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये सेमी ड्राई हो जाएगा। फिर आप इसे सादा पानी से धो लें। रोजाना रात को सोने से पहले आपने इसे लगाना है। बस आप 1 वीक इसे यूज कर लें, आपके चेहरे के दाग धब्बे मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे और आपका चेहरा साफ शफाफ चमकदार और निखरा निखरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।